आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। देखो, कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं, कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा के पास आने वाले, कर्क रेखा के पास आने वाले आने आने वाले वनों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय या अर्ध उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय या अर्ध उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं कर्क रेखा की, तो भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश से आगे निकलती है। तो मैं कह सकता हूं कि इन चारों विकल्प के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहां से कर्क रेखा नहीं निकलती है। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाले जो वनस्पति है, जो वन है, वो कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय या अर्ध उष्ण कटिबंधीय। तो हमारा आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर दो, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।